हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे लास्ट व्लॉग हमने कंप्लीट किया था बैक पैकिंग पे और घर से निकल गए थे, तो अभी बज रहे रात के 11 बजे हम सभी निकल गए थे खाना वगैरह करके और घर को पैक वगैरह करके, क्योंकि वन डे पिकनिक थी इसीलिए ज़्यादा कुछ तैयारियां नहीं करनी थी। तो यहाँ पर देखिए स्टेशन पर पहुँच गए हमारे भाईंदर स्टेशन, जो कि मैं भाईंदर में रहती हूँ तो वही स्टेशन पर जाना होगा। यहाँ से जाना है बोरीवली, तो बस एस्केलेटर पर चढ़ के अब जा रहे हैं अदर प्लेटफॉर्म, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ ट्रेन नहीं आने वाली थी। रात लेट हो गया था काफ़ी और बहुत लेट से ट्रेन थी। वैसे भी रात को 11 बजे के बाद थोड़ी स्लो हो जाती है हमारी मुंबई लोकल। तो यहाँ देखिए हम लोग ट्रेन में आ गए हैं और बोरी ही तरह खाली ट्रेन, इतना मज़ा आया ना, मतलब बहुत अच्छा वाला फील हो रहा था। बाकी मुंबई लोकल कभी भी आपको इतनी खाली तो मिलने से रही, चाहे वो संडे हो या हॉलीडे हो। तो देखिए पूरी ट्रेन में हम पाँच लोग और दो तीन लोग और बैठे थे। तो देखिए 11:34 हो गए और अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है। एक्चुअल में हुआ कुछ इस तरह से कि इसका जो टाइमिंग था ना 11:30 का, वो था बांद्रा से। सो बोरीवली आते आते हाफ एन आवर चला जाता है और हम लोग को इस तरह से याद था कि 11:30 हमारा बोरीवली का पिकअप पॉइंट है, बट थोड़ी मिस्टेक हो गई, हो जाती है इस तरह से कभी कभार। सो देखिए अब बस इस ट्रेन के बाद हमारी ट्रेन आने वाली है और हम बस इंतज़ार कर रहे हैं और रात के बज गए हैं 12:15। तो इतनी रात को भी आप देख रहे हैं कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ये कितनी प्यारी सी क्यूट बेबी थी ना, कब से मयूर के साथ खेल रही थी और स्माइल कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जाह्नवी भी और मयूर दोनों ही खेल रहे थे इसके साथ। कुछ देर खेलने के बाद बस उनको भी आ गया था, उनकी भी ट्रेन आ गई थी और हम भी हमारे ट्रेन में आ गए। तो 12:47 हो रहे, देख रहे तो ऊपर बिस्तर वगैरह लगा दिया और 12:47 पे हमारी ट्रेन बोरीवली से निकल गई। तो ट्रेन में बैठने के बाद बस थोड़ा नाश्ता पानी चल रहा है क्योंकि बहुत जल्दी खा लिया था, करीब 8:30 बजे तो अब लग गई थी भूख। वैसे तो रोज़ सो जाते हैं इसलिए पता नहीं चलता है, बट आज जाग रहे थे तो लग रही थी भूख। वैसे अंधेरा है तो आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, बट अब खा वा के हम सो गए थे और अब बज रहे सुबह के 8:27। तो देखिए उठ गए हैं और अभी स्टेशन आने में काफ़ी समय है। तो जाह्नवी और मुझे भूख लग गई थी और एसी ट्रेन है ना, तो यहाँ पर बहुत कम चाय वाले और नाश्ता वाले बहुत कम आते हैं। सो हम माँ बेटी उठकर ब्रश वगैरह करके इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली चाय आ गई। तो जाह्नवी भी कितनी खुश है और मैं भी, हम दोनों बस चाय का इंतज़ार करके बैठे थे क्योंकि मॉर्निंग तो मुझे बूस्ट करने के लिए चाय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ देखिए एसी में मैं जाह्नवी की चाय ठंडी कर रही थी। सो अब बस थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं, बट कहते हैं ना एक बार ही उठने के बाद टाइम जल्दी जाता नहीं है जब हमें हमारी जर्नी पर जाना होता है। सो बस अब हम उतरने वाले और हम दोनों की हालत देख रहे, नींद छींद आ रही है और इंतज़ार करते करते कुछ नहीं तो दो से तीन बार तो हमारी चाय हो गई थी बट चाय नहीं आ रही थी। तो फाइनली हमने कॉफ़ी ले लिया था कि मैं तो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी लेती हूँ क्योंकि चाय वाला जो फीलिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी में ही आती है। और यहाँ देखिए जाह्नवी और उसके पापा दोनों ही खेल रहे और बस इस तरह से ही हम टाइम पास कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे हमारी डेस्टिनी आ जाए, बस एक 1 आवर और था हमारी जगह पर जहाँ हमें पहुँचना है, उसका इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली अब हम पहुँच गए हमारी जर्नी। तो हम जा रहे हैं माटेल खोडियार धाम, जो कि 4 धाम है माता जी के मेन, उसमें से यह एक धाम है। तो ये हमारी प्यारी ट्रेन है जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और हम लोग उतरे हैं वाकानेर जंक्शन। सो वाकानेर उतरने के बाद यहाँ से बहुत नज़दीक है, 30 मिनट्स आई थिंक लगते होंगे हमारे मेन जर्नी पर जाने के लिए, माटेल मंदिर जाने के लिए। सो यहाँ स्टेशन से उतरकर अब हम बस ब्रिज चढ़ के हो जाएंगे ईस्ट वेस्ट जहाँ जाना है। मुझे भी बहुत आइडिया नहीं है, वैसे मैं यहाँ जा रही हूँ सेकेंड टाइम, इसके पहले भी एक बार ही गई थी तो मैं यहाँ कहाँ फ़ोटो चिपका दूँगी, आप देख लीजिएगा ज़रूर। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी शादी के बाद और ये है अब सेकेंड टाइम। सो यहाँ देखिए हम चार ही इस बार जा रहे थे क्योंकि हमारे चाचा जी को हमें दर्शन कराने ले जाना था, मुझे और मयूर को। शादी के बाद थोड़े समय तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी तो तब हमारे चाचा जी ने कहते ना ऐसे मन्नत मानी थी कि हम निकिता की तबीयत ठीक हो जाएंगे तो आएंगे। सो बस वही फाइनली 5 साल बाद वैसा आया मौका।
तो ये रूम थी फर्स्ट हमने जो ली थी। वैसे यहाँ पर काफ़ी सुविधा नहीं होती है, नॉर्मली होती है, बट ठीक ठाक है, आप नहा धो के फ्रेश हो सकते हैं, इतनी सुविधा आपको मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए जानवी तैयार हो गई, और मंदिर जाना था इसलिए मैंने वियर की साड़ी। और यहाँ देखिए जानवी, ये जो वीडियो है ना वो जानवी ने बनाया है कि मम्मा मैं आपका फ़ोटो निकालती हूँ दो। तो यहाँ से ही देखिए बाजू में मंदिर है जहाँ हम लोग ने स्टे किया था 1-2 घंटे के लिए। तो दोपहर का टाइम हो गया था ना, मतलब 1-1.5 बज गए थे, तो मंदिर बंद था बट दर्शन खुले होते हैं, आप दर्शन कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग चाचा चाची बैठे साइड में, मयूर जानवी और हम बस दर्शन कर रहे। यहाँ से दर्शन करने के बाद जा रहे थे मेन मंदिर। तो यहाँ जो है ना वो यहाँ काफ़ी हमारे मतलब रिलेटिव आते हैं, तो पहचान अच्छी खासी है, और चाचा चाची को भी अच्छे से पहचानते। तो यहाँ सौराष्ट्र में एक बहुत बढ़िया बात है, किसी को भी खाली पेट कहीं भी नहीं जाने देते। तो मस्त पडवल की सब्ज़ी और लापसी, जो कि यहाँ की फेमस है, माता जी को धरी जाती है, दाल चावल छाछ और पूरी वगैरह पापड़, इस तरह से काफ़ी कुछ चीज़ें थी। आप भी प्रसादी ले लीजिए, मैं भी ले रही हूँ। और मग मूंग की दाल बनाई थी, बहुत बढ़िया टेस्ट था, बहुत बढ़िया से खाया। और फिर जो हालत हुई है क्योंकि नींद आने लग गई थी, फुल दोपहर का टाइम भर पेट खाना, बट मंदिर तो जाना सबसे ज़रूरी था। तो घर से निकल कर मतलब जहाँ स्टे किया था वहाँ से निकल कर बस 5 मिनट की दूरी पर मंदिर है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये रिक्शा वाले अंकल हमारा इंतज़ार करके ही रुके थे कि आपको मंदिर तक छोड़ देंगे, तो वहाँ पर उन्होंने भी होल्ड किया था। और देखिए यहाँ से मंदिर में जाने से पहले हमने ले ली है चुनरी, माता जी को प्रसादी वगैरह जो कुछ धरना है, और इस तरह से हमने ले लिया है। और देखिए लिखा है आई श्री खोड़ियार माँ, तो 4 धामों में से एक धाम है ये माटिल धाम, और भी 3 हैं जिनके मुझे इतने नाम याद नहीं है वैसे, राजप्रा और एक भी है, 2 है बट मुझे इतना याद नहीं आ रहा। जब भी वहाँ जाना होगा तो आप सभी के साथ शेयर तो ज़रूर होगा। तो देखिए यहाँ कर रही हूँ दर्शन, और थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप भी फटाफट कर ले, और ये बहुत आराम से दर्शन मिल जाते हैं, दर्शन सभी कर लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। आप सभी को भी मैं आगे आगे दर्शन कराऊंगी। तो यहाँ हमारी चाची जी बना रही थी वीडियो, और हम सब खड़े थे क्योंकि चाचा के लिए साथ ही हम आए थे, तो हम सब बस फोटो, और जितने बारी मैंने कुछ नहीं ना, तो दिन में 3 से 4 बारी हमने वीडियो कॉल करके हमारे रिलेटिव्स को भी दर्शन कराए। तो आप देख रहे थे वहाँ घड़ी पे 1:45 बजे, मतलब 1:40 हो गए थे। तो बस इस तरह से इस टाइम पर हमने कर लिए है दर्शन, और आराम से बैठ रहे थे, मतलब माता जी के धाम जाए और गर्दी ना हो तो मन करता है बस वहीं खड़े रहे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मेन जो है ना पीछे साइड में माता जी की छवि है, और आगे सबको दर्शन कराए जाते हैं। ऊपर मैंने जो आपको बताया था वो था क्रोकोडाइल, जो माता जी का वाहन है, मगर जिसे कहते हैं वो माता जी का वाहन है, और ऐसे कहते नहीं ऐसे ही है, और जो खोड़ियार माता जी है ना वो शिव भगवान के आशीर्वाद, शिव पुत्री कहा जाता है, शिव पुत्री तो नहीं बट उनके आशीर्वाद से, बहुत बड़ी कथा है जो मैं कभी फिर सुना दूंगी आप सभी को, क्योंकि थोड़ी बहुत कथा ऐसे बोले तो वो भी पाप लगता है, प्रॉपर कथा ही कहनी चाहिए। वहाँ से निकलकर थोड़े टाइम मंदिर में बैठने के बाद यहाँ आए हम श्रीफल फोड़ने। यहाँ पर सिस्टम है श्रीफल की प्रसादी लेकर वहाँ के वहाँ धर देते, और यहाँ देखिए एक साइड में बहुत बढ़िया से बना है, यहाँ आप श्रीफल तोड़ के इस मटके में पानी जमा हो जाता है, जो कि जिसे पीना है ना वो पी सकते हैं, मतलब नारियल श्रीफल का पानी। तो इस तरह से देखिए नारियल टूटता है और ऑटोमेटिक पानी छन के वहाँ पर चले जाता है। तो नहीं निकला था तो हमारे चाची जी ने इस तरह से ले लिया, थोड़ी थोड़ी प्रसादी सबने ले ली, और यहाँ पर श्रीफल भी धर देते। तो बस इस तरह से ये पूरा ही मंदिर है, जो सामने साइड मैंने आपको बताया वो था मंदिर, और उसी के एग्जिट सामने साइड ही है ये जय माता जी का। तो ये 7 बहन है जिन्हें जोग माया कहते हैं, योग माया कहते हैं। तो ये 7 बहनें हैं जिनमें खोड़ियार माता जी सबसे छोटी बहन है। तो इस तरह से, और यहाँ से हम निकलकर ये देखिए यहाँ पर जो माता जी का चैत्र नवरात्रि में है ना, इस तरह से बड़ा सा माथे पर जो होता है क्या कहते हैं मैं भूल गई, आपने हमारी नवरात्रि में भी देखा रहेगा, गरबा गरबो जिसे कहते हैं, वो था मैंने आपको जो दर्शन कराया। उसके बाद इसी मंदिर में हमने रखी है एक रूम, फिर से पूरे दिन थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि शाम को ही रिटर्न ट्रेन थी। तो रूम भी यहाँ बढ़िया से है, बस वॉशरूम साथ में नहीं होता है, वॉशरूम नीचे साइड होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट रूम बहुत बढ़िया है। अगर आप दूर से भी आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आराम से स्टे, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा,
और स्टे के लिए भी पे नहीं करते, आप जो खुशी से देना चाहते वही लेते, और खाना वगैरह भी इसी तरह प्रसादी फ्री में होती है, उसका भी कुछ नहीं लिया जाता। तो ये देखिए पूरा ही मंदिर का एक ओवरव्यू लुक बता रही हूँ, पीछे साइड मंदिर था, वहाँ से उतरने के बाद इस तरह से यहाँ का पूरा लुक है। और ये सामने साइड जो हमने स्टे रखा है, ये नीचे साइड जब जाते हैं तो एक साइड वॉशरूम है और बीच में पार्टीशन है, और ये साइड किचन है, बीच में पार्टीशन पूरा ही पैक है, तो किचन और वॉशरूम दोनों ही सेपरेट है। यहाँ पर माता जहाँ हमने अभी स्टे किया है वहाँ पर हमने कर लिया है चेंज, क्योंकि अब जा रहे हैं नीचे थोड़ी सी शॉपिंग करने, कुछ नया वया देखने, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था और ट्रेन थी हमारी रात को 10 बजे। सो देखिए अब यहाँ हम लोग नीचे आए, ये मंदिर जहाँ हम स्टे किया है वहाँ से बाहर निकलने वाला है रास्ता है, और उससे भी मेन यहाँ जो सामने आपको मैं अब तालाब बता दूँ या नदी समझ लिए, वैसे ये है तालाब। तो ये देखिए माता जी का वाहन, और इसी तालाब में माता जी ने दर्शन दिए थे, और यहाँ से ही पूरे गांव में पानी, मतलब जहाँ ये माटेल धाम है ना, सब जगह पर यहाँ से ही पानी पीने के लिए जाता है। और इसमें अगर हम लकीस्ट पर्सन रहे ना तो हमें यहाँ पर क्रोकोडाइल जो माता जी का वाहन है उनके भी दर्शन हो जाते। तो इस तरह से यहाँ हाथ पग धोए जाते हैं और पानी थोड़ा सा ग्रहण किया जाता है माता जी के आशीर्वाद के तौर पर। काफ़ी लोग तो पीते हैं, सब कुछ इसी पानी से ही होता है। ये पानी का कलर देख के आप ऐसे मत समझिए कि गंदा है, बिल्कुल भी नहीं, कभी यहाँ इस पानी में गंदगी नहीं होती है, और कोई भी जल में गंदगी होती नहीं है, वो तो हम इंसान कर देते। तो देखिए यहाँ मयूर जानवी चाचा चाची सब ले रहे, और फाइनली लास्ट में मैं आ जाऊँगी। तो इस तरह से है ना सभी प्रसाद माता जी की जो प्रसादी है वो ले रहे, और फाइनली अब आ गया मेरा नंबर। सो देखिए उड़ उड़ के जा रहे थे हमारे कपड़े, हवा इतनी थी, और जानवी वापस से लेने आई, मम्मा मुझे वापस से प्रसादी लेनी है करके, मैं चलो आ जाओ भी जाओ और क्या। तो इस तरह से हमने पानी वानी ले लिया, दर्शन वर्शन कर लिए, तो चलिए अब निकलते फिर से मंदिर में। मंदिर में आ गए थे और बस एक लुक आपको ये बताना बाकी था, और हम सबको भी फ़ोटो शोटो निकालने थे, तो फिर से टाइम था, आकर आराम से बैठे। और यहाँ है ना दो प्यारे प्यारे ट्विंस बच्चे आए थे जिनको यहाँ पर तोला जाता है, मतलब खुशी से जानवी के टाइम पे भी ऐसे किया था, बट यहाँ नहीं हमारे ससुराल में। तो ये जो शक्कर होती है ना खड़ी शक्कर, उससे बच्चों को तोला जाता है और फिर सब में बांटा जाता है, इस तरह से ये मनाते हैं। तो वीडियो के आगे का व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।